Stop. Sit. बिटू सिट. शेक है. Next. Next. Good. करो यार आप लोग भी अडॉप्ट करो यार, इंडी को भी अडॉप्ट करो यार, ऐसा मत किया करो. देखो भाई ये भी खेल रहा है. क्या हो रहा जा जा जा. अरे 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 अरे. वो भाग रहा है. लियो. नो नो. स्टे. सैल्यूट. स्टे. ओ भाई. ओ भाई. गोभी खोदने वालों बात ऐसी घर के जैसी. अभी हम जा रहे हैं, पहले बंदरों से तो बचे हैं. बंदर अटैक हुआ था तेरे पे हैं? मेरे पे हो गया था. बैंगलोर पे कूद गया बंदर हैं. अब नहीं है चले गए गायब हो गए. अब बच्चे निकल गए तो इसका मतलब बंदर गायब है भाई. बंदर भाग गए बच्चों. क्या बात है. ग्रेट. मार दे पिचकारी, मार दे. ओए भाग के आया. क्या नाम है बच्चे का? तेरा ब्रो एडी गुना माइकल. ओए होए. और तेरा? लवेस. और तेरा? रियांश. क्या बात है. सबका नाम. अब लाइक कर रिकॉर्ड कर रहा हूं. हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. त्यो ऐसे ही बता दूं. ये तोतला है. इडली बड़ा. तो गाइज आज हम आ चुके हैं पौशाला और अपने साथ अपने भाई दीपक भाई. क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया. तो यार ये बताओ, पहले थोड़ी लोकेशन बता दो कि ये कहाँ पर पड़ता है और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास पौशाला. ये पड़ता है दिल्ली के लिए, जब गुड़गांव से दिल्ली को जाते हैं तो बॉर्डर पे पड़ता है. हाँ, एमसी टोल पे बिजवासन. बिजवासन यहाँ पे पड़ता है. यहीं पे हमारा ये पौशाला है जिसमें हम डॉग बोर्डिंग, डे केयर, बर्थडे पार्टीज और ये अपना कहते हैं डॉग ट्रेनिंग. हाँ. ये हम सारी चीजें करते हैं पर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं. बर्थडे पार्टी करते हैं गाइस, कोई पेमेंट नहीं. अडॉप्ट भी कराते हैं, जैसे लोग लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं. हाँ, चाहे वो इंडी हो चाहे ब्रीड का हो. हाँ, पर लोग खरीदने जाते हैं. मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ. किसी को चाहिए तो वो यहाँ के ले. यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप फ्री में. मतलब एक वो कर रहे हो भाई, सोशल वर्क कर रहे हैं भाई. अपना तो अपना नंबर बता दो भाई. मेरा नंबर है 9870202274. दीपक शर्मा मेरा नाम है और मैं अपना यहाँ पालम विहार, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में सब मेरे को जानते हैं क्योंकि मैंने दिल्ली का मैं टॉपर चैंपियन हूँ. जो एक बच्चा है जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा था, मैं उससे भी मिलवाऊंगा आप लोग. अच्छा अच्छा. एक बात बताओ, ये पूरा एरिया आपका है, मतलब कब से कर रहे हो ये काम? ये मुझे पहले, मैं गुड़गांव में, मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं. पहले मैं दिल्ली में था. अच्छा. द्वारका में. द्वारका से फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया एक फैमिली के साथ. अच्छा. तो जब से मैं यहाँ कर रहा हूँ आज मेरे को कम से कम नहीं तो 4-5 साल हो गए यहाँ पे. और इसको स्टार्ट करे हुए 1 साल हुआ है और 1 साल में दिल्ली एनसीआर के जितने भी टॉपर हैं वो सारे बच्चे मेरे पास बोर्डिंग और डे केयर पे. ये नहीं कि यहीं के, राजस्थान, आगरा, सब तरह के सब लोग मेरे पास बच्चा छोड़ के जाते हैं. क्या बात है. और आप ट्रेनिंग भी देते हो मतलब? हाँ मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ. आपको मैं ट्रेनिंग भी दिखा दूंगा. जैसे एक मेरा बच्चा है जावी नाम का, जामा शपटा, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे. हाँ, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपसे. अभी मिलने अभी भी मैं लेके चलूंगा आपको, जावी की ट्रेनिंग दिखाऊंगा. अभी चलेंगे. क्या बात है. तो गाइस आज आपको पूरा दिखाएंगे. तो अभी आपके पास कितने डॉग्स अवेलेबल हैं अडॉप्ट के लिए? कितने डॉग्स में? तो 5 डॉग हैं मेरे पास जो अडॉप्शन में है. लैब, गोल्डन रिट्रीवर और इंडीज भी हैं. जो इंडीज को लोग चाहते नहीं है. हाँ. मैं यहाँ सबसे पहले इंडीज को ही अडॉप्ट करा. सही बात है यार. सही. इनको भी तो यार कोई ध्यान नहीं है. तुम ऐसे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो. तुम्हें सिर्फ ब्रीड वाले चाहिए. सारे लोग ब्रीड को जल्दी पकड़ते हैं. हाँ. अपना इंडीज भी होता है और प्यार वो इनसे ज्यादा देते हैं. ये भी होता है. मेरे पास इंडी है, मैंने एक अडॉप्ट करा दी अपने मथुरा में और एक और है मेरे पास ब्रूनो नाम का. हाँ. उसे भी अडॉप्ट कराना है. अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे पास आ सकता है. मैं नंबर बता दी. बिल्कुल चलो दिखाओ भाई. गाइस यार मेरे को तनिष ने बताया यहाँ के बारे में कि यार यहाँ फ्री में अडॉप्ट कराते हैं इंडीज भी और ब्रीड वाले भी. ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा यार. भाई अपना सोशल वर्क कर रहा है तो हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए. तो जितने भी डॉग लवर ये वीडियो देख रहे हैं यार, भर के शेयर करो, भर के लाइक करो और हो सके तो आप भी अपने आसपास को अगर अडॉप्ट नहीं कर सकते तो उस डॉग को खाना खिलाओ. है ना भाई? अब मैं खाने वाला हूं, दिखा देता हूं. एक साथ आएंगे सारे. अच्छा अच्छा. आ जाओ बच्चों. अरे अरे अरे. ओए वो भाग रहा है. अरे बाप रे. भाई कितने फ्रेंड है भाई. सारे डॉग है, कितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है. पूरा अपना फार्म हाउस टाइप एरिया खेल रहा है, खुला एरिया मिला हुआ. तो भाई एक एक करके बताओ कौन सा डॉग है. ये कौन सा? गोल्डन रिट्रीवर. ये भी गोल्डन रिट्रीवर है. हाँ हाँ. ओरो नाम है. एक वो गोफी. ओरो ओरो ओरो. ये गोफी गोल्डन रिट्रीवर है. ये भी गोल्डन रिट्रीवर है. और ये हमारा सबसे प्यारा इंडी जो बोलते है ना. ये रहा ये जो इंडी है. अच्छा अच्छा. हमारा जो कहते हैं इंडी प्यारे नहीं होते, बहुत ज्यादा समझदार प्यारा प्यार होते हैं.
रहा है इंडी। इंडी इसका क्या नाम है? इसका नाम है बनी। बनी बनी सबसे शरीफ यही है भाई। हाँ बिल्कुल, बाकी सारे कुदरे हैं लेकिन ये बनी अपना शरीफ है। और ये हमारा ये द्वारका का ये लैब्राडोर है, बडू नाम है। बडी ये बडी है, खेलने कूदने वाला है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। कितनी एज क्या है इनकी? एज क्या है? ये साल डेढ़ साल दो साल ढाई साल के करीबन है, ज्यादा बड़े नहीं है। अच्छा, कुछ महीने की भी है, जैसे वो महीने ये 9-10 महीने के आसपास। बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो मानसर से आया है। अच्छा अच्छा जी, तो इसको भी अडॉप्ट करवाना है सब? ये तो अडॉप्ट नहीं, ये बोर्डिंग पे आ रखे हैं बच्चे, एडॉप्शन के लिए अलग है। अच्छा, तो अडॉप्शन वाले कौन से हैं? अडॉप्शन के लिए तो ये लैब्राडोर खेल रहा है, ये वाला ठीक है। इसकी डिटेल गाइस मैं डाल दूंगा जो जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। और एक ब्लैक व्हाइट कलर का जैसे वो है फीमेल, ऐसा एक और है अडॉप्शन पे, वो मेल है, हो गया 10 महीने 11 महीने के अराउंड है, वो भी अडॉप्शन पे। कहाँ तुम्हारी बॉल? बॉल शाबाश, गुड बॉय। और मैं बताऊँ यहाँ पे जो हमारा बोर्डिंग है, मैं आपको पहले बता के चलूँ, मेंबरशिप वाली बात भी बता दो। मैं बोर्डिंग का बताता हूँ आपको, बोर्डिंग का हमारा फैमिली की तरह रखते हैं, हम भाई बहन ही हैं, कोई वर्कर नहीं है, हम भाई बहन ही संभालते हैं। देख लो भाई कैसे हम खेलने थे। और जितने बच्चे जो आते हैं बस प्यार के कारण यहाँ, इतनी दूर से लोग छोड़ने आते हैं। दूसरा एक और चीज है जो दिल्ली NCR में नहीं है, वो ये है 1000 रुपए की मेंबरशिप, महीने के 300 दिन आप 3 घंटे के लिए रोज छोड़ सकते हो अपने बच्चे को, एनी टाइम। कोई भी नहीं कर सकता यार NCR में, मैं लिख के दे रहा हूँ आज। मतलब पूरे दिन के लिए भी छोड़ते हैं लोग? पूरे दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, रात में भी, पर 3 घंटे के लिए आप रोज छोड़ सकते हो 1000 रुपए में, पूरे 30 दिन। 30 दिन देखो भाई ये भी खेल रहा है बच्चा बन गया। वो रहा जा जा जा। तो भाई अभी निकाल रहे हैं व्हाइट जर्मन शेफर्ड, बहुत ही रेयर ब्रीड है, रेयर अभी है। वो सुमित भैया का जर्मन शेफर्ड है। अच्छा, वो एक बार दिखा देता हूँ, सुमित भैया वीडियो देख रहे होंगे तो देख लेना। अरे क्या बच्चा आने वाला है, क्या बात है, फ्रेंडली है। हाँ फ्रेंडली, क्या फ्रेंडली है, और इतना मतलब इतना क्यूट है और क्यूट भी है, देखना जाते भाई। ओ भाई, ओए स्पीड है पूरी भाई साहब, भाई साहब क्या क्यूट है भाई ये, एक नंबर जर्मन शेफर्ड, फिट बिल्कुल फिट। क्या एज है इसकी? इसकी हो गया होगा 1.5 साल का हुआ होगा, 1.5 साल का। क्या नाम है इसका? टॉबी। भाई तो मान ही नहीं रहा, इसकी तो पावर ही अलग है, पूरा एक तरह से बना हुआ। रुक जा भाई टॉबी, 1-2-3। ओहो भाई भी ये भागदौड़ कर रहा है जब इतना फिट है। वैसे वेट और ज्यादा होता है जब, हमारे यहाँ ज्यादा एक्टिव रहता है ये, और फुल एक्टिव है। मैंने बचपन में इसकी ट्रेनिंग करी थी जब 3-4 महीने का था। सुमित भैया का है जो यहीं रहते हैं पास में, उन्होंने मेरे पास बोर्डिंग पे छोड़ रखा है कुछ काम के लिए। ये मैक्सी है जो मैंने अडॉप्ट करी थी, और आज मेरे पास 1.5 साल से है, और 1.5 साल से बहुत अच्छी ट्रेन भी हो रखी है। और जिनकी है उनका नाम नेहा है, और बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, और उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करी है, अभी तक भी हेल्प करी है और अभी भी करती है। जी तो ऐसा एक और भी आपके पास? एक और भी है मेरे पास, वो भी दिखा देते हैं। दोनों फीमेल है? गुड गर्ल। माया बहुत सीधी फीमेल है, कोविड में इसकी फैमिली एक्सपायर हो गई है, तो इस चक्कर में इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया। कोविड में इसकी फैमिली एक्सपायर हो गई थी, तो माया को मैंने अडॉप्ट कर लिया। तो माया तो हमारे पास खुश है, मतलब खेल रही है, बस सब फैमिली इसको प्यार देती है, जो भी मेरे फार्म हाउस पे आते हैं वो सब इसको प्यार देते हैं, और ये उनको प्यार देती है। सही बात है यार, सही बात, प्यारी बहुत प्यारी बच्ची है। करो यार आप लोग भी अडॉप्ट करो यार, इंडी को भी अडॉप्ट करो यार, ऐसा मत किया करो कि ब्रीड ही चाहिए है ना। और सब लोग जितने भी डॉग दिखते हैं, गाड़ियां स्पीड कम चलाया करो, पानी रखा करो, कोई भी हो, चाहे पक्षी हो या कुछ भी हो, और जितने भी इंडी अडॉप्ट करो वो उतना ही अच्छा है यार, इनको भी तो घर चाहिए होता है कहीं ना कहीं। सही बात। तो गाइस सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके शेयर करो डॉग लवर्स में, क्योंकि अपना भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो भक्के। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? Sector 23 गुड़गांव। वहाँ एक कौन सा है ट्रेनिंग वाला है? जर्मन शेफर्ड है, जाबी नाम का। अच्छा, बनाएंगे। चलो गाइस दिखाते हैं आपको पूरी ट्रेनिंग, भाई ने दिया उसको ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग दिखाएंगे कैसी ट्रेनिंग दी है उसको। तो गाइस यहाँ पर है जर्मन शेफर्ड ट्रेंड, तो उसको दिखाएंगे। फोन कर रहे हैं और आ रहा है नीचे बच्चा। चलो भाई दिखाते हैं उसको। जावी जावी ट्रॉलिंग ट्रॉलिंग
फुल ट्रेंड है। ओ भाई क्रॉल कर रहा है, क्या बात है, फुल ट्रेंड है। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। यही वो बच्चा है जो ट्रेन किया हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा। सारी चीजें आती हैं। जावी क्यूट है यार, कोट भी अच्छा है इसका। तो क्या एज है इसकी? डेढ़ साल, डेढ़ साल का। सिट, थोड़ी अथॉरिटी से बोल, सिट। ऐसे नहीं, बड़े प्यार से जावी इधर आओ। अच्छा, इसको प्यार प्यार की बात। बड़े प्यार से। अच्छा, कहाँ? इधर आ जाओ, इधर आ। सिट हो गया। शेक हैं। ओ भाई। नेक्स्ट। सैल्यूट। स्टे। ओ भाई। सैल्यूट दे दिया। नमस्ते कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। गुड बॉय। क्रॉलिंग। क्रॉल कर रहा है गाइस, ये देखो। क्रॉलिंग। गुड बॉय। क्रॉलिंग। गुड। स्टे फ्लैट। ऐसे रोल। रोल करो। जावी। गुड बॉय। अप। गुड बॉय। शाबाश। बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत लविंग बच्चा है। इसकी फैमिली तो बहुत ही प्यारी है, जिन्होंने रख रखा बहुत प्यार देते हैं। इसकी कोई ना कोई वीडियो मेरे को भी मिलती रहती है। क्या बात। आता रहता है फार्म पे और हमारे घर के से ही है। तो गाइस एक और आ चुका है ट्रेन डॉग। इसका क्या नाम है ब्रो? इसका नाम है लाडो। लाडो नाना इस देश में नहीं, लाडो। गुड बॉय। क्या बात है लाडो। ये दोनों अब आपस में मिलेंगे। ओ भाई लाडो, ओ भाई लाडो, ओ मेरी लाडो। क्या बात है। 23 में रहते हैं, जाबी के पड़ोसी। क्या नाम है, क्या नाम है भाई का? क्या बात है, क्या बात है। डॉग लवर है सारे, डॉग लवर है सारे। आप भी डॉग लवर, ये भी डॉग लवर, हम भी डॉग लवर। एक्चुअली में जो कहते हैं ना, सच्चे डॉग लवर सही बात सारे ही हैं। और आपको अभी तो और दिखाऊंगा, अभी स्टार्टिंग हुई है, डन डन है भाई। तो गाइस अब हम आए दूसरी जगह पे। यहाँ क्या है भाई? रिट्रीवर। रिट्रीवर है वो, ये बच्चा है। आ गया भाई गोल्डन रिट्रीवर। नाम क्या है वो, क्या कहते हैं? लियो। लियो अभी गाड़ी सूंघ रहा है, गाड़ी में से उसको आ रही है ना स्मेल। ये बासु करवाएगा तो, हैंड स्टैंड वगैरह सब करता है। लियो भाई, क्या बढ़िया लुक। अरे वाह। लियो बॉय। लियो मिलो, बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली, बहुत भाई। क्या बढ़िया बाल है यार। क्या डाइट है इसकी, क्या डाइट है? ये सवेरे तो पनीर और आलू खाता है। अच्छा अच्छा, बॉइल्ड आलू। उसके बाद क्या खाता है? दूध पीता है, डॉग फूड खाता है शाम को एक टाइम। अच्छा अच्छा, दही नहीं खाता ये, दूध पीता है। अच्छा, दलिया खा लेता है कभी-कभी। दलिया खा लेता है। हाँ। क्या और कोई सप्लीमेंटेशन? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं खाते, थोड़े बहुत अपने। अच्छा अच्छा, वही पेडिग्री। पेडिग्री डॉग फूड खाता है और एक टाइम वो आलू पनीर खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यूट है, बहुत क्यूट है। करवाओ भाई थोड़ी ट्रेनिंग करवाओ। अब मैं नहीं करूंगा, अब इनकी फैमिली करके दिखाएगी। डन डन, जो मैंने ट्रेन करा हुआ। सही बात। वासु भी आए हैं जो मेरे छोटे भाई की तरह है। अच्छा, करके दिखाएंगे। तो गाइज इसकी जो डाइट है पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉलो कर सकता है गोल्डन रिट्रीवर लवर्स। सैल्यूट कराओ भाई, सैल्यूट। लियो अप। स्टे। स्टे। लियो स्टे। अभी सैल्यूट कर रहा है गाइज, ये सैल्यूट। हाँ सही बात, फुल ट्रेंड है। नो नो, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। हाँ देख रहा भाई, देख रहा। नो नो नो, अच्छा बताओ। ये नो कर रहा तो नहीं खाएगा। क्या बात। क्या भी से आ रहा। तो गाइस अब एक और लोकेशन आया है। कौन सी ब्रीड है? लैब्राडोर। 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 क्या नाम है? डेढ़ साल का हुआ है, आप देख सकते हो। डेढ़ साल का हुआ है। हाँ, ये रहा। क्या नाम है? नाम क्या है? माइलो है और एक का नाम हुआ है फ्रेडी। माइलो फ्रेडी। दीपक भैया आप मत आया करो इनके सामने, ये दोनों पागल हो जाते हैं आपको देख। ओह भाई, ओए माइलो छोटा है अभी और ये बड़ा हो चुका है, ये डेढ़ साल के आसपास ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। गाइस अब हम आ चुके हैं वापिस पौशाला पे। चलो भाई अंदर चलते हैं और एक बहुत प्यारा डॉग है उससे मिलवाते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। भाई कुछ बढ़िया बातें बताएंगे हमें। अब हम आ चुके हैं वापिस पौशाला और भाई कुछ बात बताएंगे। भाई कुछ बताओ डॉग लवर्स को ले, कोई मैसेज तुम बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे पाल रखे आप लोगों ने, जितने भी आपके पास डॉग्स पपीज जो भी है किसी भी ब्रीड का हो, बस एक टाइम ये रखो, ठंड में जितने भी पपीज हैं या कुछ भी, उनका दोपहर में नहाने का होता है वो 12 बजे के करीब। ये नहीं कि आप सुबह नहला देते हो या शाम को नहलाते हो, गर्म पानी से। मैं मानता हूँ आप लोग गर्म पानी से नहलाते हो, पर दोपहर का जो टाइम है
हमेशा नहलाने के बाद उसे वॉक को ले जाओ, जिससे वो सूख जाए अच्छी तरह, फ्रेश होके आ जाए धूप में, और फिर उसके बाद अंदर ले आओ। और जहाँ भी अभी इस टाइम जो लॉकडाउन आया था पिछला, उस लॉकडाउन में भी बहुत सारे डॉग अडॉप्ट करवाए थे मैंने। इस बार क्या हुआ है कि इस बार लोगों ने लॉकडाउन में पाले तो हैं, पालने के बाद जो वापस अडॉप्शन करवाए वो सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा। यार मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब बच्चा आपने पाला है, पूरा टाइम दिया है, अब क्यों, अब वापस क्यों उसे दे रहे हो किसी और को? आपका जान है, उसे पालो, उसके साथ। अभी कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। अडॉप्शन मत कराओ जितने भी हैं, चाहे वो ब्रीड का हो, चाहे इंडी ब्रीड हो, चाहे कोई भी हो, पर आप लोग उनका ध्यान रखो। और ये बहुत प्यार देके जाते हैं, और कम उम्र होती है इनकी, 12-14 साल होती है, उसमें भी ये थोड़ा सा टाइम मांगते हैं आप लोगों से। इतना टाइम आप दे दो और वो जीवन धन्य हो जाता है। सच्ची बात है, ये बात पे वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, और कमेंट करना इस टाइप के और वीडियोस आपको चाहिए। और हम डॉग्स की पार्टी की भी वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। डॉग्स की पार्टी, हम तो बहुत पार्टी करते हैं भाई, लेकिन डॉग्स की भी पार्टी होती है जहाँ मिलते हैं। डॉग्स की बर्थडे पार्टी दिखाएंगे जो होती है एक्चुअली में, और सच्चे डॉग लवर जो आएंगे हमारे पौधशाला पे। और अभी एक दिखा रहे हैं, अकीता। हाँ अकीता दिखाते हैं, अकीता दिखाते हैं। अकीता बहुत ही प्यारी ब्रीड है। तो गाइस अभी एक ब्रीड है अकीता, कितने का है भाई ये बच्चा? तो आपको पता है, कभी गूगल सर्च करोगे ना, हाँ हाँ, ये कम से कम 80-90 जैसे जैसे पड़ जाए उसी 100% प्योर ब्रीड है। हाँ जी भाई, फ्रेंडली है ना ये? फ्रेंडली है। मिलना भाई जरा। एलेक्सो, क्या बात है, एक्टिव बहुत है भाई, हाइट भी काफी बड़ी है इसकी। बहुत अच्छी ब्रीड है, क्या बात है। वो यहाँ सेक्टर 23 में रहते हैं। अच्छा 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 स्टॉप सिट बिटू सिट शेक है नेक्स्ट नेक्स्ट गुड बॉय गुड बॉय अकीता एलेक्सो नाम है। हाँ अकीता ब्रीड बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी ब्रीड है अकीता, हस्की से ऊपर है। लोगों ने अगर हस्की पाल रखा होगा ना तो अकीता का पालने में बड़ा दिक्कत ये है, इसको बहुत ठंडा क्लाइमेट चाहिए। हाँ, अगर इसको रखना है तो भाई इसको ठंडा चाहिए, सिंपल। जैसे अभी ठंडा रही है तो उतनी तो इसको अभी ये जो ठंडा है इसके लिए, ये मान लो कि ये है जो जीना होता है असली में, नहीं तो ये कुल्लू मनाली साइड और इधर ठंडे एरिया इधर उधर ही चाहिए ये। करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूस बजेंगे थूत पे। लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।